Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video, we'll continue with the chapter Basic Problems of an Economy, which is chapter 3 of class 11th ISE Economics. तो इसमें लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स इकोनॉमीज़ को फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, सो अब आपका टॉपिक है बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी. बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी. तो बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी में सिक्स प्रॉब्लम्स आपको बताई गई हैं. वो सिक्स प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस. एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. दूसरी प्रॉब्लम आती है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस. थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर हूम टू प्रोड्यूस. फिर होती है प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. फिर आपकी है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एंड लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सिक्स बेसिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में फेस करते हैं लोग. ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये स्टार्टिंग के आपकी थ्री प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी होती हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स. ये आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं. बाकी तीन में है लेकिन बाकी तीन प्रॉब्लम्स फंडामेंटल नहीं है. फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इकोनॉमीज की ये तीन होती हैं स्टार्टिंग वाली. फंडामेंटल प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, सोशलिस्टिक हो, कैपिटलिस्टिक हो, पुअर कंट्री की हो, रिच कंट्री की हो, पुरानी हो, आज की हो, उन सब में ये तीन प्रॉब्लम्स हमेशा से रही हैं. ये आगे की प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट प्रॉब्लम से व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. इन्हीं प्रॉब्लम्स का आंसर, इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें ढूंढना होता है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है. अब ये जो आपका है इसमें सिंपल हम ये देखते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम हम देखेंगे वो होती है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन मतलब हमारे पास रिसोर्सेज है. व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि हमें क्या चीज़ बनानी है, बनाएंगे कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करके. तो सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास रिसोर्स है उसका हमें क्या करना है. इसको सबसे सिंपल अपने हिसाब से देखो कि आपके पास पैसे हैं जो आपके लिए रिसोर्स है, आपकी इनकम, उस इनकम से आपको क्या खरीदना है और क्या आपको कितना खरीदना है. ठीक है, 100 रुपये है, 100 रुपये से क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ये एज अ बायर आप सोचते हो. बट इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन को देखकर चलते हैं, क्योंकि इकोनॉमी हो क्यों रही है, इकोनॉमी का एम है प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ताकि उसके कंजम्पशन से लोगों की वॉन्ट सेटिस्फाई हो सके. तो अब प्रोडक्शन क्या करना है और कितना करना है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम आती है. इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से एलोकेट करना है, कितना कौन सा सामान बनाना है. ठीक है, अगर हमने बोला कि हमें ब्रेड बनानी है तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या ब्रेड प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, 100 पैकेट्स प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, गन्स प्रोड्यूस करनी है, गन्स कितनी प्रोड्यूस करनी है, 20 गन्स प्रोड्यूस करनी है. इस तरीके से डिसीजंस होते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कि शुड द इकॉनमी प्रोड्यूस गन्स और बटर, शुड इट प्रोड्यूस फूड और क्लोथिंग. तो इस तरीके से अलग अलग जो कमोडिटीज़ होती है उससे रिलेटेड हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है. इसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है, ये भी आप समझ गए. अब एक और चीज़ है कि अगर आप कोई एक सामान बनाओगे तो डेफिनेटली दूसरा सामान कम बनाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये से आपने डिसाइड किया कि आप एक बर्गर खरीदोगे, तो उस और उसके दूसरा जो ऑप्शन था आपके पास दूसरी चीज़ खरीदने का वो था फॉर एग्जांपल एक पेंसिल सेट. तो डेफिनेटली अगर आप बर्गर प्रोड्यूस बर्गर खरीदने में खर्च कर दोगे 100 रुपीज़ तो वो पेंसिल सेट आप नहीं ले पाओगे. ठीक है, या फिर अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपीज़ है, अब 1000 रुपीज़ से आपने ये सोचा कि हमें बर्गर भी खरीदना है और हमें पेंसिल सेट भी खरीदना है, तो अब उससे अगर आप बर्गर ज़्यादा
खरीदोगे तो डेफिनेटली पेंसिल सेट कम खरीद पाओगे, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड आपके पास इनकम थी, लिमिटेड आपके पास मनी था 1000 रुपीज़। तो इसी तरीके से इकोनॉमी में होता है, रिसोर्स कम है, हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और एक प्रपोर्शन भी मेनटेन होना चाहिए। अगर देश में खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो उसके साथ साथ अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है ताकि हम लोगों की सिक्योरिटी को मेनटेन कर सकें। तो गन्स का प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, फूड का प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, पर कितना, किस टाइम, कब प्रोड्यूस करना है, ये चीज़ हमें इकोनॉमी में डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गई। इसमें एक आपका छोटी सी चीज़ है, पैटर्न ऑफ डिमांड। तो पैटर्न ऑफ डिमांड का सिंपल सा मतलब होता है कि किस टाइप के गुड्स लोग डिमांड कर रहे हैं। सिंपल सी मतलब है, अगर आपसे बोला जाए कि फॉर एग्जांपल समर सीज़न चल रहा है, तो समर सीज़न में क्या पैटर्न ऑफ डिमांड होगी? तो समर सीज़न की पैटर्न ऑफ डिमांड ये है कि लोग ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनेंगे, तो कॉटन की प्रोडक्शन करो। क्या समर सीज़न में वुलन क्लोथ्स की प्रोडक्शन करी जाएगी? नहीं करी जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। तो पैटर्न ऑफ डिमांड का ये मतलब होता है कि किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही कोल्ड जगह पर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी रहती है, चलो ठंडी भी रहती होगी, तो जिस जो जब ठंडी का मौसम आ जाता है, या फिर ठीक है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की चलो बात करो, ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका की बात करो, ऑस्ट्रेलिया भी उसी एरिया पे है, तो एंटार्क्टिका ये सब क्या ट्रॉपिक ऑफ जो क्या कहते हैं एंटार्क्टिक जो होता है वहाँ पर आता है, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल पर आता है। मेरी ज्योग्राफी ख़राब हो चुकी है, ओहो, देखो हाँ, एंटार्क्टिक सर्कल पे एंटार्क्टिका आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता होगा, एंटार्क्टिका आता है एंटार्क्टिक सर्कल में, डोंट राइट इन द कमेंट्स, ठीक है, तो एंटार्क्टिका आ गया एंटार्क्टिक सर्कल में। अब वहाँ पर क्या ठंडी का मौसम है, तो वहाँ की नीड्स अलग होंगी। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो हैं, अफ्रीका की बात करो, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो वहाँ पर नीड्स अलग होंगी, वहाँ पर अलग टाइप के गुड्स डिमांड होंगे। तो हमें जहाँ पर प्रोड्यूस करना है उस जगह को भी समझना पड़ेगा, उस टाइम को भी समझना पड़ेगा, पैटर्न ऑफ डिमांड को देखना है, पैटर्न ऑफ डिमांड को देखते हुए, बाकी सारी सिचुएशंस को देखते हुए हमें प्रोडक्शन वगैरह करनी है। अब जैसे आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो उस टाइम पर जो कंट्रीज़ वॉर्स में इन्वॉल्व थी, उन्होंने सारा प्रोडक्शन, सारे अपने रिसोर्सेज खर्च कर दिए थे मिलिट्री वेपन्स बनाने में। और क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, तो जो उनके कंट्री के लोग थे, अब कोई भी नेशन है उसके पास रिसोर्सेज है, पैसे, उसने केवल मिलिट्री वेपन्स बनाए, तोपें बनाई, सारी चीज़ें बनाई जो जो कर सकते थे वॉर जीतने के लिए, पर लोगों के फूड पर ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर खाने की कमी पड़ेगी। तो एक बैलेंस होना चाहिए, यही डिसीजन लेना, यही डिसाइड करना कितना क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस में आता है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम क्या है कि कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करने में क्या चीज़ आती है, कैसे प्रोड्यूस करने में आती है आपके पास कि आप कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो। आप पूछोगे मेथड क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे बोला जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि कौन सा मैनुअल काम हो सकता है, आपसे बोला गया कि आपको एक पेज लिखना है, ठीक है, एक पेज आपको लिखना है, ऐसे लिखना, चलो ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखना है। तो अब वो ऐसे आपको लिखने के पास, आपके पास अलग अलग मेथड है, एक मेथड है कि आप पेन लो, पेपर लो और उस पर लिख दो, दूसरा क्या मेथड है, आप टाइप कर लो और लिख लो, ठीक है, दोनों मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप लिखना चाहते हो। तो इसी तरीके से इकोनॉमी में भी हमें डिसाइड करना है कि जो गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं और जितनी भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं, अब इसको कैसे प्रोड्यूस करना है। कैसे प्रोड्यूस करने में दो बेसिक हमारे पास मेथड्स दिए गए हैं। मेथड्स में क्या चीज़ें है, देखो, एक आपका होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं कि जिन चीज़ों की मदद की, किन चीज़ों को यूज़ करके हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे। मेथड्स में क्या आता है, जिसमें आपको इसमें बोला गया है चॉइस ऑफ मेथड या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कौन से तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, पर रिसोर्सेज को कौन से तरीके से यूज़ कर रहे हो। जैसे सिंपल सी बात, दो मेथड होते हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। क्या क्या होते हैं, दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब हो गया कि ज़्यादा आप लेबर का यूज़ करने वाले हो, ज़्यादा लोगों का यूज़ करने वाले हो, ह्यूमन बींग्स का। अब ज़्यादा लोगों का यूज़ आप कब करोगे, जब ऐसा काम होगा जहाँ पर ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत है, जो काम मशीन से नहीं हो सकता है उसमें आप ज़्यादा ह्यूमंस का यूज़ करोगे। अब फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे देखो, अगर आप बात करो कुकिंग के लिए, तो अभी तो रोबोट्स नहीं है कि आपके लिए खाना बना दे, कोई मशीन है जो खाना बना दे, नहीं है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो वहाँ पर अगर कुकिंग का काम करना है तो हाँ, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा काम करना है, अभी घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ज़्यादा लोग मिलकर कुकिंग का काम कर रहे होते हैं। बट कोई ऐसा काम है जो मशीन कर सकती है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग, पेपर प्रिंट करना है। अब एक एक पर्सन तो पेपर लिखेगा नहीं ना, सेम टू सेम चीज़ मशीन में डाल दिया, प्रिंट होकर निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हमें डिसाइड करना है। लेबर इंटेंसिव का मतलब ज़्यादा लोगों का यूज़ करना, ठीक है। और इसमें आपकी एक चीज़ आती है लेबर इंटेंसिव में,
इट यूजेस मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल. अब लेबर और कैपिटल दोनों को देखते हुए ही हमको चलना है. जैसे कि अगर हमें हैंडलूम्स का यूज़ करना है, हैंडलूम्स क्या होते हैं, हैंडलूम्स वो मशीन्स होती हैं जहाँ पर हमें अपना क्या कहते हैं एफ़र्ट लगाना पड़ता है, फिज़िकल एफ़र्ट लगता है, ठीक है, हाथ से जो यूज़ होती मशीन्स जो जैसे कपड़े बनाने की, ठीक है. तो अगर कॉटन प्रोड्यूस करना है, हैंडलूम्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो हैंडलूम्स में क्या होगा, इंसान को काम करना रहेगा, तो उस काम के लिए हमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन इसी जगह अगर हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसमें क्या है आपका पावर लूम्स, अगर पावर लूम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो तो मशीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल जाएगी, वो उससे ही काम आपका हो जाएगा, कॉटन प्रोडक्शन का, क्लोथ प्रोडक्शन का, तो वो काम मशीन करेगी. तो वहाँ हम ज़्यादा लोगों को क्यों एम्प्लॉय करेंगे. एक फैक्ट्री में काम करना है जहाँ मशीनें लगी हुई हैं, बस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो उतने ज़्यादा लोग हम एम्प्लॉय नहीं करेंगे. तो हमें डिसाइड करना है कि हमें लेबर इंटेंसिव जाना है या कैपिटल इंटेंसिव जाना है. कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा हम मशीन्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा हम ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर. तो इस तरीके से होता है. इसके बाद आपका है इसमें रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइज ऑन द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स, ठीक है. सिंस रिसोर्सेज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू स्कॉन्डर अफेयर्स रिसोर्सेज, हैज़ टू बी इकोनॉमिकल इन द यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं और स्केर्स हैं, वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग. जितना से ज़्यादा अच्छे, जितना अच्छे से हम उसको यूज़ करेंगे, जो आगे आप पढ़ोगे फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में, उस पर समझोगे कि ऑलरेडी कम रिसोर्सेज है उसको भी अच्छे से नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है. लेबर कैपिटल क्या है, रिसोर्स है हमारे, लैंड, एंटरप्रेन्योर, ये सब रिसोर्सेज हैं, तो इन सबको अच्छे तरीके से यूज़ करना है. अब हमें इसमें दो डिटर्मिनेंट्स बताए गए हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ टाइप ऑफ टेक्निक टू बी यूज़, कि अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है तो हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी. नाम से ही पता चल रहा है कि अगर लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो है उस पर डिपेंड करता है इकोनॉमी के, और दूसरी चीज़ होती है रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अगर हमें यह देखना है कि हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है कि जैसे इकॉनमी की आप बात कर रहे हो, जहाँ आपको टेक्निक डिसाइड करनी है प्रोडक्शन की, उस इकॉनमी में टेक्निकल नॉलेज कितनी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है. अब ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल कंट्री है तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करेगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाली है. पर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं है, पर लेबर ज़्यादा अवेलेबल है, पॉपुलेशन है, लोग हैं, तो वो क्या करेगी, लोगों का यूज़ करेगी. तो वो डेफिनेटली, अब वो एक जैसे इकॉनमी के पास रिसोर्सेज हैं लेबर के फॉर्म में, वो क्यों एक्स्ट्रा मशीन्स बाहर से खरीद के खर्च करेगी अगर वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है. दिस इज़ नॉट सेइंग कि द फैक्ट कि कोई इकॉनमी है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, मशीनें नहीं है, तो वो लोगों से ही काम करवाती चले जाए, ऐसा नहीं है. दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स, दे हैव टू रिसॉर्ट टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. लेकिन बात यह है कि अगर अभी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, देन यू हैव टू यूज़ दैट ओनली, डिपेंडिंग ऑन क्या काम आप करवाने वाले हो. तो डिटर्मिनेंट, पहला डिटर्मिनेंट यह है कि कंट्री में टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, दूसरा डिटर्मिनेंट ये है कि अलग अलग रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं. अब एक देश ऐसा है जैसे इंडिया की बात करो, पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोगों को हम यूज़ कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है. कंट्री में जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पर इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट लोगों को अगर कम भी लोग हैं बट मशीन तो है, टेक्नोलॉजी है, उससे काम हो जाएगा. तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस. तो हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में भी क्या करना है, दो मेथड्स है, दो टेक्निक्स है, उनमें से हमें डिसाइड करना है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव. फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. किसके लिए प्रोड्यूस करना है का क्या मतलब है, ऑब्वियसली जो डिमांड करेंगे, जिनको चाहिए, ठीक है. सिंपल सी बात है, इकोनॉमी है. अब हम सोच रहे हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम बनाने वाले हैं मार्कर, हम मार्कर बनाने वाले हैं. अब मार्कर बनाने के लिए हमने सोचा कि हम सोच रहे हैं हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेंगे, ठीक है. लेबर चल जाएगी पर कैपिटल इंटेंसिव से ज़्यादा सही हो रहा है, ठीक है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमने हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड कर लिया. फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, डेफिनेटली उनके लिए जिनको मार्कर की ज़रूरत है, ठीक है. अब मार्कर की ज़रूरत के लिए हम देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या होगा. सो डेफिनेटली एज क्राइटेरिया में भी 13 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक जा सकता है, बिकॉज टीचर्स हैं जो कि 40 ईयर्स 45 ईयर्स के वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं. फिर हमने देखा चलो एज क्राइटेरिया पता चल गया, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दे बोथ रिक्वायर द मार्कर. फिर डेफिनेटली उनका प्रोफेशन हम देखेंगे कि वो जनरली टीचिंग प्रोफेशंस में या बिजनेस कॉरपोरेट्स में होंगे जहाँ पर मार्कर्स का यूज़ हो सकता है अगर वाइट बोर्ड्स अवेलेबल है. तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है. और दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना है कि क्या वो लोग इस सामान के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, ठीक है. अब सिंपल सी बात है, किसी पर्सन को
वर्कर नहीं पसंद है तो वो क्यों इसके लिए पैसे खर्च करेगा। तो हमें देखना है किसके लिए प्रोड्यूस करने में कि कौन इस प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार है। और कोई पर्सन एक सामान के लिए पैसे तभी देगा जो हमने प्राइस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, जब वो सामान उसके यूज़ का होगा और हम लोग और हमारी तरफ से सेलर की तरफ से वो स्केयर्स होगा। तो यूज़ का सामान होगा तो बंदा पैसा देगा, ठीक है, मार्कर यूज़ का है मार्कर खरीदेगा पैसा देगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अब वो पर्सन जिसके लिए हम बनाना चाह रहे हैं वो इनकम पे करने के लिए अगर रेडी है तो ही वो सामान खरीदेगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये बताओ उस पर्सन को इनकम कहाँ से मिल रही है। तो हमने डिस्कस किया था इनकम वाले कॉन्सेप्ट में कि लोग फैक्टर इनकम कमाते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है कि लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं, प्रोडक्शन में जो काम आती है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो उन ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर इनकम पे करते हैं, वही इनकम वो लोग जाकर खर्च करके जो हुआ है, जो आउटपुट हुआ है, उसमें से जो जो सामान उनको चाहिए होता है वो खरीदते हैं, ठीक है। तो इनकम कहाँ से मिल रही है लोगों को, फैक्टर सर्विसेज सेल करके। तो यहाँ पर आप इसको मिक्स करके देखो, इसको कनेक्ट करके देखो, बात ये कही जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करेगी कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है इकोनॉमी में, ये किस पे डिपेंड कर रही है कि कौन कौन से लोग अपनी क्या क्या फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। अब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सैलराइड एम्प्लॉयज़ में जो मेंटल काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के। उन दोनों को फैक्टर इनकम मिली, एक को सैलरी मिली, एक को वेज मिला, ठीक है। ऐसे 100 लोग हैं, 100 लोग फॉर एकदम सिंपल एग्जांपल हो, 100 लोग हैं। अब उन 100 लोगों को इनकम कहाँ से मिली है, फैक्ट्री और ऑफिस में काम करके, ठीक है। तो क्योंकि फैक्ट्री और ऑफिस का काम किया प्रोड्यूसर ने, इससे लोगों ने इनकम कमाई, अब उसी इनकम से वो जाकर सामान खरीदेंगे जो कि प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया है मिलके, ठीक है। अलग अलग प्रोड्यूसर मिलकर अपना प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के काम के लिए ज़रूरत पड़ रही है फैक्टर सर्विसेज की, उसी इकोनॉमी से फैक्टर सर्विसेज फैक्टर रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं और प्रोड्यूसर उन्हीं को पेमेंट करा जा रहा है, वही जो इनकम उनको मिल रही है उससे वो ये प्रोडक्शन जो हुआ है वो सामान खरीदेंगे। तो हमने प्रोड्यूसर देखो, तभी कहा जाता है कि ज़्यादा जिस कंट्री जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर ज़्यादा लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए उन्होंने फैक्ट्री बनाई, जहाँ पर फैक्ट्री में काम करने के लिए उन्होंने लोगों को जॉब दी, एम्प्लॉयमेंट हुआ लोगों का, वो लोग अब पैसा कमाएंगे और पैसे को खर्च करेंगे। तो जितना ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम है उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगी, ठीक है। अब लोगों के पास, अब जैसे ऐसी कंट्री जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं, आप ये सोचो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, एक या दो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। अब वो एक या दो लोग सामान बनाने के लिए कुछ ही लोगों को तो रखेंगे, उनको सैलरी देंगे, वही लोग सामान खरीद पाएंगे, बाकी लोग नहीं खरीद पाएंगे। बाकी लोगों के लिए फिर प्रोडक्शन होगी नहीं क्योंकि वो खरीद नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनको इनकम ही नहीं मिल रही कहीं से। तो हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पर होता है एक इकोनॉमी में। अब इंडिया के अंदर देखो तो सब लोग अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं। किसी के पेरेंट्स प्रोफेशन में होंगे तो उनको फीस मिल रही है, किसी के पेरेंट्स होंगे जो फैक्ट्री सर्विसेज सेल कर रहे हैं जाके, कैसे, क्योंकि वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो उनको वहाँ पर सैलरी मिल रही होगी। किसी कोई होगा जो क्या कहते हैं रेंट्स पे दे रहे होंगे, क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को लैंड दे रहे होंगे रेंट पे, बिल्डिंग्स दे रहे होंगे, फैक्ट्रीज दे रहे होंगे रेंट पे, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करके बैठे हैं या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, रियल टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनको पैसे मिल रहे हैं। इस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी कंट्री में, और यही जो लोग कमा रहे हैं इसी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड कर रहा है कि वही उस तरह से लोग खर्च करेंगे, ठीक है। तो खर्च करने का मतलब क्या है, हमारे सामान खरीदेंगे जिनको, तो हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है जो पैसे देने को तैयार है। और ये चीज़ डिपेंड किस पे करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। इनकम की जैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसी पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका, हाँ, अब ये तीन आपके फंडामेंटल हो गए थे, अब आएंगे आपके ये तीन, फुलर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या है, देखो साफ साफ इसमें कहा गया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो सारी इकोनॉमीज फेस कर है। पर उसके अलावा और थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हैं। ये थोड़ी फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हो, ये ज़्यादा अब लोग ध्यान देने लगे इन चीज़ों पर, ठीक है। अब का मतलब ये नहीं कि आजकल ध्यान देने लगे, रीसेंट टाइम्स में ध्यान देने लगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी फोर्थ प्रॉब्लम आती है फुलर यूटिलाइजेशन की। फुलर यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज़ करना, और फुलर का मतलब सिंपल वर्ड से समझ आ रहा है फुल,
किसी चीज़ को फुल तरीके से, पूरी तरीके से यूज़ करना। तो जो रिसोर्स है उसको पूरी तरीके से यूज़ करने को हम कहते हैं फुलर यूटिलाइजेशन करना। इसमें कहा क्या मतलब है आपका, ये प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। सिंपल से इसमें कहा गया है कि जैसे आप इसमें समझो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, ऑलरेडी रिसोर्सेज हमारे पास उतने हैं नहीं जितनी हमें ज़रूरत है, जितने हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है। इट देयरफॉर इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू लीव द रिसोर्सेज आइडल और अनएम्प्लॉयड, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहे। अब रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब आता है। अब अगर बात करो इंडिया की बात करो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप खुद सोचो कि एक पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है वो काम नहीं कर रहा है तो देश उसके वर्क से क्या कहते हैं जो कंट्री है उसको, उस इंसान का वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, वो उस इंसान की सर्विस को नहीं यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा, कुछ प्रोडक्शन कम हो रहा होगा देश का, डेफिनेटली हो रहा होगा। और कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, कितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं, जिनका काम हम, जिनसे हम काम करवा कर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ भी डिपेंड किस पे कर रही है, हमारे देश में जो पैसा है, जो बिज़नेस हो रहा है, उन सब चीज़ों पे ये चीज़ें इंटरलिंक करके डिपेंड करती रहती है। तो सिंपल सी बात ये कही, एकदम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर समझो कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक लेबर है वो काम कर रहा था, ठीक है। अब वो काम कर रहा है, जब फैक्ट्री में 10 लेबर थे, 10 के 10 लेबर काम कर रहे थे, एक दिन में वो 100 चीज़ें बनाते थे, कोई भी प्रोडक्ट हो 100 प्रोडक्ट्स बनाते थे। अब एक पर, अब तो अगर 10 लोग हैं, एक दिन में 100 बना रहे हैं, तो एक पर्सन कितना, 1% 10 सामान बना रहा होगा, 10 यूनिट्स बना रहा होगा। अब क्या हुआ, 1% चला गया, 1% अनएम्प्लॉयड हो गया, किसी वजह से नहीं आ पाया वो काम पे। तो जब वो नहीं आ पाया एक दिन काम पे, तो केवल 9 लोग प्रोडक्शन करेंगे, 100 यूनिट्स की जगह केवल 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि 1% 10 यूनिट बना रहा था, ठीक है। तो पहले 10 लोग थे, 10 यूनिट एक दिन का बनाते थे, तो 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन होती थी। अब 1% अनएम्प्लॉयड हो गया, घर बैठ गया किसी वजह से, तो केवल 9 लोग काम करेंगे, 90 यूनिट्स की केवल प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन कम हो गई, क्यों कम हुई, क्योंकि हमने यूटिलाइज ही नहीं किया रिसोर्स को। तो हम ये कहते कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हमें सबको यूज़ करना है, कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देना है, खाली नहीं बैठने देना है, ठीक है। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल सब आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हाउ टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज इम्प्लाइज कैपेसिटी जो थी पर वो वेस्ट होगी, डेफिनेटली। अब जो और जिस फैक्ट्री में यहाँ पर 90 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी, 10 यूनिट कम हो गए, तो कैपेसिटी तो थी ना कि हाँ एक पर्सन को बुलाते तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाती, बट नहीं किया, हमने रिसोर्स को नहीं यूज़ किया। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज़ करना। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर इंडिया की बात करो तो कितने रिसोर्सेज हैं, अगर लेबर की बात करो तो कितना लेबर है जो आइडल अभी बैठा है, अनएम्प्लॉयड बैठा है, ठीक है। तो वो अनएम्प्लॉयड है तो बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ गवर्नमेंट के रीजंस हैं, कुछ पर्सनल रीजंस उनके भी हैं, ठीक है। अब जैसे कहा जाता है कि मेहनत कर लोगे तो मिल जाएगी जॉब, या मेहनत कर लोगे बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं, बट एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिसोर्सेज का आइडल रहना, खाली रहना, वेस्ट रहना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो फुलर यूटिलाइजेशन करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, रिसोर्सेज को यूज़ करना है, पर कैसे यूज़ करना है एफिशिएंटली। तो फोर्थ प्रॉब्लम में हमने बात किया कि सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, फिफ्थ प्रॉब्लम में बात करी कि हर एक रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स में क्या फ़र्क है, बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है। पहला हम कह रहे हैं कि अगर 10 लोग हैं, 10 लेबर हमारे पास अवेलेबल है, तो 10 के 10 लेबर को यूज़ करो। और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि हर एक लेबर से बोलो कि वो अपना बेस्ट काम करे, उसका प्रॉपर यूज़ हो, अगर उसमें जो प्रॉपर टैलेंट है वो अपने सारे टैलेंट को यूज़ करे, सारी परफेक्ट सर्विसेज अपनी दे हमको, ठीक है। तो वो होता है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो ये हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में, अब हम केवल लेबर को लेकर चल रहे हैं क्योंकि लैंड और कैपिटल के कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लानी है। अब इसमें आपको क्या बताया गया है कि एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली व्हेन इट कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर गुड। एक इकोनॉमी को हम बोलेंगे कि वो एफिशिएंट काम कर रही है जब, अगर वो इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी है तो जो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ब्रेड बना रही है गन्स बना रही है, ठीक है। ब्रेड बना रही है, फूड का सामान और मिलिट्री का सामान बना रही है, बस यही दो सामान बन रहे हैं। उस इकोनॉमी के पास टोटल फॉर एग्जाम्पल 10 लेबर थे, 10 ही लोग अवेलेबल हैं, 10 रिसोर्सेज अवेलेबल, 10 लेबर्स हैं, जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल
6 लेबर्स ब्रेड बना रहे हैं और 4 लेबर्स गन बना रहे हैं, 10 हो गए, सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है. 6 के 6 लेबर्स ब्रेड बना रहे हैं, 4 के 4 लेबर्स गन बना रहे हैं, सारे 10 रिसोर्सेज का हमने फुल यूटिलाइजेशन कर लिया. ठीक है, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? अब देखो, अब यहाँ बात करो, 6 लोग मिलकर ब्रेड बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कितनी बात कर सकते हैं, अगर एक पर्सन दो ब्रेड बना रहा है दिन का, ठीक है, एक दिन का रखो, वन डे का रखो, एक पर्सन 2 ब्रेड्स बना रहा है, तो 6 पर्सन्स कितने बनाएंगे, 12 ब्रेड बनेंगी, एक दिन की 12 ब्रेड बन रही है. यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पर 4 लोग मिलके एक गन रोज़ बना रहे हैं, तो यहाँ पर 4 गन्स बनेंगी एक दिन में. एक दिन का पता चल गया, एक दिन में हमने ब्रेड कितनी बनाई, फुल यूटिलाइजेशन करने के बाद ब्रेड हमने बनाई 12 और गन्स हमने बनाए 4, क्योंकि 6 लोग दिन के 2 ब्रेड बना रहे थे और 4 लोग मिलके दिन का 1 गन बना रहे थे, फुलर यूटिलाइजेशन हो गया. अब ये देखो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहता है कि अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी. देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, हैं केवल 10 लोग. अब अचानक क्या हुआ, देश में क्या हुआ, हो गया कि वॉर होने वाली है. अब वॉर होने वाली है तो सोचा गया कि यार वॉर होने वाली है, दिन की तो बस 4 गन बना रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, वॉर तो 2 महीने बाद हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, हमें गन्स की प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी पड़ेगी. तो हम सोचेंगे दिन की हमें 4 की जगह दिन की हमें 6 गन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके हम लड़ पाएंगे, इकोनॉमी में हो गया, प्रॉब्लम आ गई. अब जब ये करने की बात आएगी तो अब हमें दिन के कितने, दिन के 6 गन बनानी है, पर हमें पता है कि 4 लोग मिलके दिन की एक पर्सन एक ही गन बना पा रहा है एक दिन की, तो 4 लोग मिलके 4 गन बना रहे थे, तो हम कहेंगे भाई ब्रेड में जो ये 6 लोग यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रेड प्रोडक्शन में 6 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से यार कुछ लोगों को लेना पड़ेगा ताकि हम अपनी गन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएं. ठीक है, अब 6 लोग यहाँ पर 12 ब्रेड बना रहे थे दिन की, गन्स यहाँ पर 4 लोग मिलके 4 बना रहे थे दिन की. अब गन बढ़ानी हमें दिन की 6 करने की, एक दिन में 6 गन बनेगी, तो हमें यहाँ कितने लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक पर्सन एक गन बना रहा था, 4 पर्सन 4 गन बना रहे थे, 6 पर्सन्स मिलके 6 गन बनाएंगे, तो हमें 4 की जगह 6 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें 2 और लोग चाहिए. तो ये जो 2 लोग और चाहिए, ये हम कहाँ से लाएंगे, ये हम ब्रेड वाले लेबर्स उठा लेंगे. या आप ब्रेड मत बनाओ, अब आप गन बनाओगे आके. तो हमने यहाँ से रिसोर्स उठा के इधर लगाना पड़ा. ठीक है, हमने यहाँ से रिसोर्स उठा के इधर लगाया, तो यहाँ पर 6 की जगह आप कितने लोग काम करेंगे, यहाँ पर भी 2 लोग कम हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लोग बढ़ जाएंगे. अब 2 लेबर यहाँ गन की प्रोडक्शन में बढ़े, तो गन की प्रोडक्शन के लिए हो गए 6 लेबर्स, दिन की 1 गन बना रहे हैं, अब दिन की 6 गन्स बन रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ गई. पहले दिन की 4 गन बनती थी, अब दिन की 6 गन बनती हैं, तो यहाँ की प्रोडक्शन बढ़ी गन्स की, क्योंकि वॉर आ गई थी. ब्रेड की प्रोडक्शन में क्या हुआ, 6 लोग मिलके दिन की 12 ब्रेड बना रहे थे, अब हमने 2 लोगों को हटा दिया, 2 लोग यहाँ से इधर आ गए, तो 6 लोगों की जगह कितने हो गए, 4 लोग हो गए. पर अभी भी एक पर्सन तो दिन की 2 ही ब्रेड बना पाएगा ना, क्योंकि हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे थे. तो 4 × 2 अब दिन में केवल 8 ब्रेड बन पाएंगी. अब सोचो कि क्योंकि हमें एक गुट की प्रोडक्शन बढ़ानी थी, दिन की 4 गन से दिन की 6 गन करनी थी, इसके वजह से हमें इधर से हमें दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे सामान के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को इधर लाना पड़ा. तो इससे क्या हुआ, गन की प्रोडक्शन बढ़ के 4 से 6 हो गई और ब्रेड की प्रोडक्शन घट के 12 से 8 हो गई. तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे थे. तो अगर हमें ये जानना है कि कोई इकॉनमी एफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उस इकॉनमी में किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे तो दूसरे प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम फुल यूटिलाइजेशन तो कर ही रहे हैं, अभी भी 10 के 10 यूटिलाइज हो रहे हैं. कैसे, 4 इधर 6 इधर, 10 लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, हमने किसी को वेस्ट नहीं किया, और क्योंकि एफिशिएंटली यूज़ कर रहे थे तो एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी. तो यही बात हो रही कि इकॉनमी इज प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली व्हेन इट कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर गुड. एक गुड की प्रोडक्शन ज़्यादा हम नहीं कर सकते, अगर हमने किया तो हमें दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम कर रहे हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. और क्योंकि एफिशिएंट, अगर हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे होते ना, तो पता है क्या केस होता, ऐसा हो सकता था कि ये जो 6 लोग मिलकर 12 ब्रेड बना रहे ना, हो सकता है ये लोग अगर ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते तो होता ये कि 6 लोग मिल गए तो 4 ब्रेड बना सकते थे, कैपेसिटी तो 4 ब्रेड बनाने की थी, पर बना केवल 2 रहे हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता, इस केस में ऐसी सिचुएशन भी आती कि हम सामान की, एक सामान की प्रोडक्शन बढ़ाते और दूसरे सामान की प्रोडक्शन फिर भी चेंज नहीं होती,
क्योंकि हम उस टाइम उसके पहले एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर रहे थे अपने रिसोर्सेज को. तो अगर हम एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जैसे इस इकोनॉमी में हो रहा है, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के टाइम पे हमेशा एक गुड की प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो दूसरे की कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम दूसरे से रिसोर्सेज को इस तरफ लाएंगे. और जब इधर कम रिसोर्स यूज़ होगा, इधर ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होगा, तो इधर की प्रोडक्शन ज़रूर कम होने वाली है. तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको लिखना पड़ेगा आंसर्स में. अब इसके बाद क्या है, ठीक है, जैसे आपको बताया गया, अगर मेसन्स को हम बोलेंगे आप कारपेंटर का काम करो और कारपेंटर कहेंगे आप मेसन्स का काम करो, तो डेफिनेटली वो सही से काम नहीं होगा. पर यही अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगी. यहाँ पर क्या कहने की बात हो रही है, यही कहा जा रहा है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एवरी इकोनॉमी वुड लाइक टू अटेन, आउटपुट प्रोड्यूस विल नॉट बी मैक्सिमाइज्ड, वी कैन इंक्रीज आवर रियल. अच्छा देखो, सिंपल सी बात है. एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए छोड़ो, चलो एक नाम रखते हैं, हाँ चलो मिस्टर ए, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं, ठीक है. मिस्टर ए बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मिस्टर बी बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं, ठीक है. अब मिस्टर ए आर्टिस्ट है, पेंटिंग अच्छी बनाते हैं, और मिस्टर बी पोएम्स लिखते हैं, पोएट हैं. अब हुआ क्या, हमने मिस्टर बी से कहा पेंटिंग बनाओ, मिस्टर ए से कहा पोएट्री लिखो, ठीक है. एक दिन का टाइम दिया, एक दिन में जितनी ज़्यादा बना कर सकते हो उतनी ज़्यादा लिखो. मिस्टर बी जो पोएट्री लिखते थे, अब वो एक दिन में हो सकता है एक ही पेंटिंग बना पाए, वो भी अच्छी नहीं बना पाएंगे, ठीक है. और मिस्टर ए जो पेंटिंग इतनी अच्छी करते हैं, उनको पोएट्री से कोई लेना देना नहीं था, वो एक दिन में शायद ही एक पैराग्राफ भी लिख पाएंगे. तो आउटपुट क्या हुआ, एक दिन का कम हुआ. लेकिन अगर हम इस चीज़ को उल्टा कर दें, अगर हम कहें कि मिस्टर ए जो है, देखो अगर ये आउटपुट कम हो रहा है तो इसका कुछ रीज़न है. रीज़न ये है कि हमने अपने रिसोर्सेज को सही जगह एलोकेट नहीं किया है. कहते हैं ना कि आप आप फिश से अगर उसकी पेड़ पे चढ़ने की उस कैपेबिलिटी को करोगे जज, तो आप कभी सही जज नहीं करो, कभी सही जजमेंट नहीं होता, जो आजकल चल रहा है. ऑब्वियसली बात है, ठीक है. मिस्टर बी थे तो अच्छे आर्टिस्ट, पर फैमिली के दबाव में बन गए पोएट, ठीक है. लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे. मिस्टर भी पोइट्री अच्छे लिखते थे, फैमिली के दबाव में बन गए पेंटर, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. पर यही अगर उल्टा कर दिया जाए, मिस्टर बी से कहा जाए आप पेंटिंग बनाओ, एक दिन में जितनी बना सकते हो 10 पेंटिंग बना के रख देंगे. मिस्टर बी से बोला जाए आप जितनी पोइट्री लिख सकते हो उतनी लिख के दिखाओ, जितनी अच्छी लिख सकते हो, और वो एक दिन में सबसे अच्छी पोइट्री लिख के दिखा देंगे, क्योंकि हम अब उस रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं. तो ये दो चीज़ें थी आपकी, एक क्या कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, और ये इस यहाँ पर एक ही वाला एग्जाम्पल, और वो जो पेंटिंग वाला एग्जाम्पल था मेसन और कारपेंटर के एग्जाम्पल, आप उसको समझ लेना, वो बुक में दिया हुआ है, ठीक है. लास्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब है इंक्रीजिंग द कैपेसिटी. इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम का मतलब है कैपेसिटी को बढ़ाना है. अब आप पूछोगे कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी बढ़ाना, ये हमें अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ानी है, ये हमारी सिक्स्थ प्रॉब्लम है. इस कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इज लार्जली डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज. कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज हैं, और उनकी एफिशिएंसी, और उनकी एफिशिएंसी. डेफिनेटली इन्हीं दोनों को तो लिया गया है. फुल यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, जितने रिसोर्सेज हैं तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, और दूसरा एफिशिएंसी. अगर हम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जितने हैं और उनकी एफिशिएंसी जो है उसको मैच करेंगे तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है. तो सिंपल सी बात ये कही गई है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी इंक्रीजेज विद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज इंक्रीज इन देयर एफिशिएंसी. अब हमारे देश में 10 लोग थे, 10 लेबर मिलकर प्रोडक्शन कर रहे थे 100 ब्रेड्स की. अब हमने देखा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए 10 से, अब लेबर हमारे पास हो गए हैं 20, और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है. अब एफिशिएंसी भी बढ़ गई तो 100 ब्रेड्स की जगह 400 ब्रेड्स की प्रोडक्शन हो रही है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है. तो सिंपल सी बात ये कही कि अगर मैं तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, पहले केवल 100 ब्रेड बन रही थी, अब क्योंकि लेबर बढ़े हैं मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ गए हैं 10 से 20 हो गए, और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, तो अब क्या हो गया, वो 100 ब्रेड की जगह 400 ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो प्रोडक्शन बढ़ी, आउटपुट बढ़ा देश का, देश की ग्रोथ हुई. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है कैपेसिटी बढ़ाना. कैपेसिटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पे और एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज पे. अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी हमारी अपने आप ग्रो करने लगेगी, ठीक है. इतना आपका हो गया, बस इतना ही था आपका. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, और हैंड रिटन नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं. सेकेंड चैप्टर का बस लास्ट के दो टॉपिक्स बचे हैं, फिर वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, ठीक है. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट.